हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से हमारे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं अपनी इस चैनल पे आप सभी को ऐसे ही अलग अलग तरीके के फॉर्म निकलते थे, जैसे ही उनके मैं सारे इंफॉर्मेशन देता था, तो वैसे ही आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं और किस टाइप की वैकेंसी आई है। जी हाँ दोस्तों, फ़िलहाल आप सभी देख रहे होंगे कि हमारे इस स्क्रीन पे आप सभी देख रहे हैं कि इंडियन ऑयल का जो लोगो दिख रहा है, इसी में हमें वैकेंसी निकल कर आई है अप्रेंटिस के लिए। तो आप सभी इसमें जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अप्रेंटिस इस समय बहुत ही ज़रूरी हो गया है, यूजफुल, जिसके कारण वह हमारे लाइफ में एक एक्सपीरियंस बन जाता है और उसका एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसका हम कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आपका अप्रेंटिस में नाम आता है, वहाँ आप अप्रेंटिस करके उसके सर्टिफिकेट को ले लीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ एक नई अप्रेंटिस वैकेंसी, जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑथराइज है। और देख रहे हैं कि इसका जो स्टार्टिंग डेट है, आप यहाँ पे सबमिशन आप देख रहे हैं कि 24/9/22 से आज स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे पूरी आपका डेट दिया है और आप सभी देख रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग टाइप के सीट अवेलेबल दिए गए हैं, तो ऐसे ही मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो भी सारे इंडियन ऑयल में अप्रेंटिस के लिए किस किस पोस्टेज के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं बताने वाला हूँ कि जो सबसे पहले जो 10+ ITI की हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी खासी मौका मिलने वाला है यहाँ पे, और अच्छा खासा इसमें स्टाइपेंड भी मिलता है। स्टाइपेंड यानी कि पेमेंट, जो भी उनका जो इनकम होता है उससे पेमेंट के द्वारा अपना जो अच्छी उसमें फैसिलिटी पा सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे फिटर के लिए फर्स्ट यहाँ पे कोड दे दिया गया है, 1102 कोड दिया हुआ है। इस कोड के मुताबिक आप जब फॉर्म ओपन करेंगे तो यह कोड डालकर अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आप इजी तरीके से फॉर्म फिल कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि इस फॉर्म में जो कि फीटर के लिए दिया है, यहाँ पे देख रहे हैं कि सीरियल वाइज से जो दिया है, यहाँ पे सीट पर रेफरेंस यानी कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीटें दी गई हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं क्वालिफिकेशन दिया गया है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रेड दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए ये PDF के माध्यम से हमें पूरी जानकारी मिलने वाली है। और आप सभी को बता दूँ सबसे बड़ी बात कि अप्रेंटिस जो तो होता है जो 1 ईयर्स के लिए होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जनरल OBC और ST के लिए सारे वैकेंसी दी गई है। मथुरा यहाँ ये जो दिया है आपका लोकेशन दे दिया गया है, ये जो आपको लोकेशन दे दिया गया है, यहाँ आपको जॉब करने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये सारी आप सभी को जो दिया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे अलग अलग जगह पे जो सीटें हैं वहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे सारी दिखा दी गई हैं। आप इसे देख सकते हैं कितनी अच्छी सीट दी गई हैं और सारे में यहाँ पे ऐसे ही फैसिलिटी दिए गए हैं। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस हो गया, जो कि आप चले जाएंगे तो मैकेनिकल के लिए 3 ईयर्स के लिए होता है। जो मैकेनिकल 3 ईयर्स के लिए किसके लिए होता है, जो BSc फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री के लिए किए रहते हैं उनके लिए 3 ईयर्स का जो होता है अप्रेंटिस। ऐसे ही अदर जितने भी डिप्लोमा डिग्री वाले होंगे उनके सारे जो अप्रेंटिस का जो ड्यू डेट रहेगा उनके लिए सारे 3 ईयर्स का जो भी कोर्स किए रहेंगे वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे सीटें दी गई हैं और उसमें वैकेंसी भी दी गई है BA BSM, और यहाँ पे क्लास 12 पास आउट के लिए भी यहाँ पे दिया गया डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे इजी तरीके से यहाँ पे भी, और इसके सीट भी यहाँ पे अवेलेबल दी गई है। तो और भी यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कैसे फॉर्म और फिलअप किया जाता है, वो सारी चीज़ें भी मैं बता दूँ।
यहाँ तक कि देख रहे हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस दे दिया गया, क्वालिफिकेशन वगैरह सारे इसमें दिए गए हैं। और इसमें दिया गया कि एज, इसमें लिमिट एज लिमिट यहाँ पे दिखा रहा है कि 18 मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 24 ईयर होना चाहिए। तो इसके बीच में जो भी बंदे हैं वो इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे और देखते हैं आगे क्या चीज़ें दी गई हैं, कैसे हम फॉर्म अप्लाई करते हैं उसको हम देख लेते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई, लास्ट में कॉर्नर में दिया है हाउ टू अप्लाई। और यहाँ पे मेन वेबसाइट जो यहाँ पे लिंक दे दिया गया है मेन वेबसाइट का, आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे मेन वेबसाइट दे दिया गया है। यहाँ से आप इजी तरीके से फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जानकारी के लिए बता दूँ कि यहाँ पे कोई भी आपको फॉर्म से रिलेटेड अगर फॉर्म फिल करने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सारे आपको ड्यू डेट, लास्ट डेट बता दूँ इसका जो कि फॉर्म का है 23/10, यानी कि अगले महीने तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और सारे इसमें फैसिलिटी बहुत ही अच्छी दी गई है, ये देख रहे हैं कि ये भी सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें फॉर्म को फिल करना है और बहुत ही इजी तरीके से आसानी से फिल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसमें जो फॉर्म निकला है इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और कोई भी अगर फॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट में बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।